देर आर टू म्यूचुअल फंड्स, डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड एंड के म्यूचुअल फंड लिमिटेड, ईच हैविंग क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स। मतलब कि अब इन दोनों का आप जो यूनिट है वो नहीं खरीद सकते हैं। एन ए वी एज ऑन 31/12/2014 ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ डी म्यूचुअल फंड इज 70.71। जो एन ए वी है 31 दिसंबर 2014 की डी म्यूचुअल फंड की है वो है 70.71, और जो एन ए वी है के म्यूचुअल फंड की वो है 62.50, जिसमें कि 99% इक्विटी है। डी म्यूचुअल फंड का जो एन ए वी है 70.71, इसमें से 99% इक्विटी है और 1% कैश है। तो देखो 99% इक्विटी हो गया और 1% कैश हो गया, और जो के म्यूचुअल फंड है उसका 62.5 है एन ए वी, जिसमें से 96% इक्विटी है, मतलब कि 60 इक्विटी है और जो रिमेनिंग जो परसेंटेज है मतलब कि 4% कैश है। तो 4% क्या हुआ कैश, तो 62.5 का 4% करोगे तो 2.5 कैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देख ली हमने। फॉलोइंग इज द अदर इन्फॉर्मेशन। अब हमें इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि इनका शार्प रेशियो बता रखा है, इन दोनों का ट्रेनर रेशियो और इन दोनों का ही स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रखा है। अभी क्यों बता रखा है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि शार्प रेशियो जो ट्रेनर रेशियो के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ये हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे क्यों दे रखा है अभी तक तो हमें इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। खैर आगे पढ़ते हैं। देर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में पोर्टफोलियो में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ द म्यूचुअल फंड। अब देखो एनुअल जो दोनों म्यूचुअल फंड है ना, डी म्यूचुअल फंड लिमिटेड और के म्यूचुअल फंड लिमिटेड, इन दोनों में ही एक ₹3 का जो चार्ज है, ₹3 चार्ज किया जाता है एज एन एनुअल चार्ज कॉस्ट, ठीक है। दोनों से ₹3 हर साल का लिया जाता एज एन एनुअल एवरेज कॉस्ट। तो ये इनकी कुछ फीस है इनकी दोनों म्यूचुअल फंड की। इफ़ द शेयर मार्केट गोज डाउन बाई 5% विद इन मंथ, अगर सपोज मान लो कि जो शेयर मार्केट है वो एक महीने के अंदर 5% गिर जाता है, अगर शेयर मार्केट एक महीने के अंदर ही 5% गिर जाता है, तो आपको जो एक महीने बाद की जो एन ए वी है ना वो आपको निकालनी है दोनों म्यूचुअल फंड की। और आप एक साल में 12 मंथ मान कंसिडर करो, या 12 मंथ ही होते हैं, और नंबर ऑफ डेज आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब कि ये एन ए वी हमें पता है 70.71, 62.50। अब हमें एक महीने के बाद का एन ए वी इनका निकालना है जिसका हमें पता नहीं है। अच्छा, जो डी है इसमें इक्विटी और कैश है, और के में भी इक्विटी और कैश है, ठीक है। अब डी और के ये जो तो म्यूचुअल फंड है, इनसे ₹3 चार्ज किया जाता है हर साल का। अगर हर साल का आप ₹3 चार्ज करोगे, यानी 12 महीने का अगर ₹3 चार्ज करोगे, तो एक महीने का कितने रुपये चार्ज करोगे, तो 0.25 एक महीने का चार्ज करोगे, यानी एक महीने बाद इनका जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा। कितने से, 0.25 से कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने फीस चार्ज कर लिए इन दोनों म्यूचुअल फंड ने, तो जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा 0.25 से, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा रखा। तो कैश बैलेंस कितना पड़ गया, यहाँ पे 0.46 का आ गया, यहाँ पे 2.25 का आ गया, ठीक है। अब अगर ये बस ये पता चल जाए कि इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है यहाँ पे एन ए वी में 70, वो यहाँ पे कितनी है, इक्विटी शेयर का एन ए वी कितना है, ये अगर पता चल जाए डी और के का, तो हमें एन ए वी जो है पता चल जाएगी। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा एन ए वी आ जाएगा डी और के का, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट को प्लस कर देंगे तो हमारा एन ए वी आ जाएगा। अब इक्विटी के बारे में कितना चेंज हुआ ये तो हमें नहीं पता है, बट हमें ये दे रखा कि मार्केट एक महीने में 5% से कम हो गया है। तो मार्केट 5% से कम हुआ है, उसका इफेक्ट हमारे इक्विटी पर क्या पड़ेगा, क्या हमारे इक्विटी भी गिरेगा उतने परसेंट से, ये चीज़ हमें बीटा बताएगा कि अगर मार्केट में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसका हमारे इक्विटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बीटा बताता है। तो अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि जो हमारा इक्विटी है वो कितना घटा है या बढ़ा है, ठीक है। अब देखो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है चेंज इन शेयर या पोर्टफोलियो डिवाइड बाय चेंज इन मार्केट। चेंज इन मार्केट हमें पता है 5% का, अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हमें चेंज इन शेयर पोर्टफोलियो आराम से पता चल जाएगा, है ना। हम बीटा इंटू 5% या जो भी है चेंज इन मार्केट, इसको इंटू कर देंगे बीटा और चेंज इन मार्केट को, तो हमारा चेंज इन शेयर पोर्टफोलियो आराम से पता चल जाएगा। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया कि बीटा इंटू चेंज इन मार्केट। अब हमें बस बीटा पता करना है कि जो डी लिमिटेड जो डी म्यूचुअल फंड है उसका बीटा कितना, और के लिमिटेड जो फंड है उसका बीटा कितना है। तो यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन अब काम आती है जो इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा देखो,
शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो शार्प रेशियो क्या होता है, देखो ये डी लिमिटेड की कैलकुलेशन है, ये के लिमिटेड की कैलकुलेशन, ठीक है। जो ट्रेनर रेशियो होता है, ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम बीटा निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों का बीटा कितना है, ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो का, डी और के लिमिटेड में 15:15 ही है। तो हम बीटा निकालेंगे, तो ये बीटा निकला, क्या निकला, ये बीटा निकला। इसमें आर आई माइनस आर एफ यानी जो मार्केट का प्रीमियम है, इसकी वैल्यू ही हमें पता नहीं है। तो ठीक है, शार्प रेशियो दे रखी है, शार्प रेशियो को भी यूज़ करके देखते हैं, क्या पता उसमें से कुछ निकल जाए। तो शार्प रेशियो हमने देखा, यूज़ किया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दिया, तो हमारा मार्केट प्रीमियम निकल गया। अच्छा, जो मार्केट प्रीमियम निकला है, इस मार्केट प्रीमियम, ये मार्केट प्रीमियम किसका निकला है, ये डी की सारी कैलकुलेशन, तो डी का मार्केट प्रीमियम निकल गया। अगर हम डी का मार्केट प्रीमियम को अगर हम यहाँ पे डाल दें ट्रेनर रेशियो में, तो हमारा बीटा निकल जाएगा। तो हमने डाल दिया, तो हमारे बीटा यहाँ पे 1.5 निकल गया और के का बीटा 1.1 निकल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बीटा इनका जो निकाला है ना, हमने वो बीटा डाल दिया यहाँ पे। तो बीटा यहाँ पे कितना आया है, डी का बीटा आया है 1.5 का, डी का बीटा आया है 1.5 का, और के का बीटा है, और के का बीटा है 1.1 का। तो 1.5 इंटू 5% कर दो और 1.1 इंटू 5% कर दो, तो कितना आता है, एक मिनट रुको मैं भी देखता हूँ, 1.5 का 1.5 तो 7.5%, और इसका 5 का 1.1 5.5%। यानी अगर मार्केट 5% से डाउन होता है, तो हमारा जो इक्विटी है वो हमारा 7.5% से डाउन होगा। तो इसको 7.5% से डाउन कर दो, तो कितना होगा, 70 माइनस 7.5%, यानी 64.75 इक्विटी कंपोनेंट का, और इसका 60 माइनस 5.5%, मतलब 56.7। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका एन ए भी निकल आएगा। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने किया है, अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया है, तो डी का जो एन ए वी आ रहा है वो 65.21 आ रहा है, और जो के का एन ए वी आ रहा है वो 58.95 आ रहा है। सिंपल सा सवाल है।